Hi everyone, I hope you all are doing very good. So today I'm here with my topic that is international marketing. We will try to discuss about international marketing. ठीक है? So when you hear about the word international marketing, या आप books में पढ़ते हैं या कहीं से सुनते हैं international marketing के बारे में, the thing that comes in our mind is that you have to cross national borders. ठीक है, वी हैव टू क्रॉस आवर नेशनल बॉर्डर्स, वी हैव टू मेक आवर प्रोडक्ट और गुड्स अवेलेबल टू फॉरेन कस्टमर्स. ठीक है, उन तक अपने को पहुंचाना, उसको हम इंटरनेशनल मार्केटिंग कहते हैं. अभी तक जो हम डोमेस्टिक मार्केटिंग कर रहे थे, अपना प्रोडक्ट अपनी कंट्री में सेल कर रहे थे, नाउ वी आर क्रॉसिंग आवर फ्रंटियर्स, वी आर क्रॉसिंग आवर नेशनल बॉर्डर्स सो दैट वी कैन मेक आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल टू आवर फॉरेन कस्टमर्स. दूसरी कंट्रीज तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, दूसरी कंट्री तक अपना सर्विस कर पहुंचा गुड्स पहुंचा रहे हैं. ठीक है, सो लाइक वी हैव मेनी प्रोडक्ट्स इन आवर होम, वी हैव लैपटॉप्स, मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स, डिफरेंट डिफरेंट फोन्स, दे आर ऑल फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स. Some are from Japan, from China, Finland, Nokia from Finland, Japanese companies, MI, these things, Chinese companies, they are all from international market. When they उनको क्या लगता है कभी कि वो देखते हैं, वो एनालाइज करते हैं कि yes, this country, customers from this very country, they have good economic power, they have purchasing power, they have need for my product, so I can satisfy them. I should send my product to them. ठीक है, मुझे अपना प्रोडक्ट वहां भेजना चाहिए और वो मेरा प्रोडक्ट जो है खरीदेंगे. बिकॉज मेन एम क्या है मेरा एज ए बिजनेस कि मैं प्रॉफिट अर्न करूँ. सो व्हाई शुड आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डाइवर्सिफाइंग माई बिजनेस. आई शुड डाइवर्सिफाई माई सेल्फ, आई हैव टू वाइड इन माई बिजनेस, आई हैव टू वाइड, I have always tried as a business, I have to try always कि मैं customer की needs को satisfy करूँ. ठीक है, and when you talk about international marketing, you think of international customers as well. आप देखते हैं कि मैं अपने international customers तक भी कैसे पहुंचूं. ठीक है, तो वो होता है हमारा international marketing. तो अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा detail में. Okay, here it goes. Okay. So, international marketing refers to the buying or selling of goods and services beyond the boundaries of a country. When you cross your national borders, when you go beyond your national borders. अभी तक आप सिर्फ as a country India में अपना product sell कर रहे थे, domestic market में कर रहे थे. Now you are crossing your national borders. When a country crosses its national frontiers to market its products, it is indulging in international marketing. Alright, in simple words, we can say when two countries exchange the products and services with the motive of business trade, this process is called international marketing. When you see, mom kahin analyze kar rahe hain, this country has good economic power, this country has purchasing power, they can buy my product and I can satisfy their needs. Jo inko chahiye, wo main inko de sakta hoon. So you can indulge in international marketing. You can, unko aap apna product jo hai, offer kar sakte. उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग. टू मेक अवेलेबल कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मोर देन वन कंट्रीज कस्टमर्स फॉर यू इज नोन एज इंटरनेशनल मार्केटिंग. क्या मैंने बोला कि जब हम क्या देखते हैं, व्हेन वी क्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, मेक अवेलेबल आवर प्रोडक्ट्स टू फॉरेन कस्टमर्स बिकॉज मार्केट इज ओपन, व्हेन कंपनी इज गुड एंड वी कैन से दैट इकोनॉमी इज गुड, परचेजिंग पावर सही है, डिमांड इज देयर, नीड है. ठीक है, तो वी ट्राई टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट्स, वी ट्राई टू डाइवर्सिफाई आवर सेल्फ. क्यों ना मैं खुद को स्टैंडर्डाइज करूँ, मुझे तो खुद को भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है. सो इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है, इट इज अ मल्टीनेशनल प्रोसेस ऑफ हाउ टू प्लान, प्रमोट, डिस्ट्रीब्यूट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, हम आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पर जरूरत है लोगों को इस चीज की, क्या मैं उनको सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, क्या मैं उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं. सो मार्केटिंग एसोसिएशन जो है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, उन्होंने भी इसको ऐसे ही डिफाइन किया, दैट इट इज अ मल्टीनेशनल प्रोसेस ऑफ प्लान, एग्जीक्यूट प्राइस, प्रमोशन वगैरह. ठीक है, हम इसमें कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज, हम डायरेक्ट करते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है एनवायरमेंट को देखकर. ये हुआ हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग. अब हम क्या करते हैं कि हम इसका नेचर थोड़ा सा देखते हैं कि नेचर जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग का वो कैसा है. So first, it is a protective nature. It is of protective nature. So international marketing is of protective nature. As we know, there are some restrictions in international marketing, ठीक है, which protect domestic industries from foreign competition. और ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव तो होगा ही नेचर में. देन कम्स कॉम्पिटिटिव मार्केट. सो इन इंटरनेशनल मार्केटिंग द एक्सपोर्टर्स हैव टू फेस थ्री टायर कॉम्पिटिशन. ठीक है ना, तीन किस्म के कॉम्पिटिशन इनको देखने पड़ते हैं फ्रॉम लोकल मैन्युफैक्चरर. पहला ही कॉम्पिटिशन जब आप इंटरनेशनली अपने आप को मार्केट कर रहे हैं, तो पहली चीज जो आपको देखनी है, पहला ही कॉम्पिटिशन आपको देखना है लोकल मैन्युफैक्चरर का कॉम्पिटिशन, उसको कम्पीट करना है. फिर दूसरा जो है वो आपको देखना है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू ओन कंट्री, then from manufacturer to foreign country.
ठीक है, पहले लोकल मैन्युफैक्चरर का कंपटीशन, उसको कंपीट करके आगे जाना है। जब आप नेक्स्ट लेवल पार किया, वहां पे आप देख रहे हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू ओन कंट्री, अपनी ही कंट्री के मैन्युफैक्चरर, उसको भी पार करके आपने देखा थर्ड कॉम्पिटिशन किया था फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू फॉरिन कंट्री। ठीक है, देन थर्ड कम्स मोर रिस्क। अब इसमें क्या है कि मोर रिस्क भी है, जो इसका ये भी देखते हैं हम, इंटरनेशनल मार्केटिंग में ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा है, आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लॉन्गर टाइम लग रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लॉन्गर टाइम पीरियड इन्वॉल्व, ड्यू टू लॉन्गर टाइम इन ट्रांजेक्शन, लॉन्गर क्रेडिट पीरियड इन्वॉल्व, तो रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा ही लगता है। ठीक है, डिफरेंट लीगल सिस्टम, ईच कंट्री हैज इट्स ओन लीगल सिस्टम एज वी ऑल नो, एंड इट ऑफन, तो क्या होता है कि लीगल सिस्टम जो है ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज डिफर फ्रॉम ईच अदर। ऑब्वियसली लीगल सिस्टम तो हर कंट्री में डिफरेंट है, वैसे ही जैसे डिफरेंट लीगल सिस्टम है वैसे ही दे हैव डिफरेंट मॉनेटरी सिस्टम्स। मॉनेटरी सिस्टम्स एंड एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ईच कंट्री करेंसी, ईच कंट्रीज करेंसी आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर, है ना। तो मॉनेटरी सिस्टम भी सबका डिफरेंट है। एंड देन कम्स ब्रॉड मार्केट, मार्केट जो है वो भी ब्रॉड रहता है। मार्केट ब्रॉड मतलब कि आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे कि डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केटिंग में हम देखते हैं कि आप अपनी कंट्री में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो मार्केट भी छोटा है, उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, उतना ज्यादा रिस्क नहीं है, ब्रॉड नहीं है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल मार्केटिंग तो मार्केट इज ब्रॉड, यू हैव टू थिंक ब्रॉड। ठीक है, तो ये होता है नेचर इंटरनेशनल मार्केटिंग का। तो अब हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग फैक्टर्स टू कंसिडर फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग। व्हाइल यू गो फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग यू हैव टू कंसिडर अ फ्यू फैक्टर्स। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केटिंग। ठीक है, होल सेट होल होस्ट ऑफ इश्यूज, देर आर मेनी इश्यूज व्हेन मार्केटिंग इंटरनेशनली दैट अ बिजनेस हैज टू फेस। नॉर्मली जो आप डील करते हैं ना, जब आप डोमेस्टिक मार्केटिंग करते हैं उसमें वो इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलते। ठीक है, when marketing in your own country, but when you are marketing internationally, तो आपको क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स जो है वो कंसिडर करने ही है। वो फैक्टर्स क्या है, फर्स्ट जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, पहला ही आता है उसमें हमारा कल्चरल फैक्टर। ठीक है, कल्चरल फैक्टर में हम क्या देखते हैं, लाइक लैंग्वेज, टेस्ट, रीजनल वैल्यूज, कस्टमर की हैबिट्स। ठीक है, लैंग्वेज, लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लैंग्वेज मोर स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन। ठीक है, नीड टू पे वेरी क्लोज अटेंशन टू व्हेन डूइंग इंटरनेशनल मार्केटिंग। पता क्या, देर हैव बीन सम एम्बैरेसिंग मिस्टेक्स इन इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग दैट मोस्ट लाइकली डिड नॉट हेल्प कंपनी सेल देयर प्रोडक्ट। ये इस चीज का दिमाग में रखना है कि कल्चरल फैक्टर में आपका पहले ही आया language, then taste. Entering international marketing markets can be very difficult for some companies because of some countries' eating habits. Unka taste different rehta hai, regional values alag rehti hai. Many times a country to which you would like to sell product has extreme regional difference that must be accounted for when marketing. ठीक है, रीजनल वैल्यूज डिफरेंट होते हैं, उनके कंज्यूमर के हैबिट्स डिफरेंट होते हैं, कल्चर, पर्सनालिटी, उन चीज उनका डिफरेंट रहता है। एज, डेमोग्राफिक्स, एज एंड अदर डेमोग्राफिक्स प्ले अ की रोल इन इंटरनेशनल मार्केटिंग जस्ट एज दे डू इन डोमेस्टिक मार्केटिंग, कंपनीज हैव टू पे क्लोज अटेंशन टू देम। ठीक है, इसमें जो है एज या डेमोग्राफिक्स भी देखना पड़ता है, वो हमें डोमेस्टिक मार्केटिंग में भी देखना होता है और इंटरनेशनल मार्केटिंग में। So, पहले हमने क्या देखा, कल्चरल फैक्टर्स में लैंग्वेज, टेस्ट, रीजनल वैल्यूज, कंज्यूमर हैबिट्स, एज, डेमोग्राफिक्स। ठीक है, ये होता है हमारा कल्चरल फैक्टर्स। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स, इनका पर कैपिटल इनकम कैसा है। जब आप इंटरनेशनली मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको देखना है कि पर कैपिटल इनकम कैसा है। ऑफ कोर्स, अ कंट्रीज वेल्थ इज अ ह्यूज फैक्टर व्हेन डिटरमाइनिंग पोटेंशियल टारगेट मार्केट कंट्रीज एंड हाउ टू मार्केट योर प्रोडक्ट टू दोस कंट्रीज, इट इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिलेवेंट क्लास स्ट्रक्चर, इनका क्लास क्या है। व्हेन यू आर मार्केटिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस इंटरनेशनली, यू मस्ट ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन क्लास structure because it varies widely from country to country. ठीक है, supply, demand है वहां कि नहीं, फिर मैं supply करूँ। Of course, हाँ, ये चीज तो देखनी है ना, supply and demand, they will play a major role in trying to market your products anywhere in the world. ठीक है, financial transaction, banking, मतलब वो कैसे banking करें, कैसे मुझे pay करेंगे, ये चीजें दिमाग में जरूरी रखनी है। ये हो गया हमारा economic। Then comes political and legal factors. Political legal factors हमें बोलते हैं laws. There are laws in some countries that will greatly affect your ability to do business in them. ठीक है, या आपको वो prohibit ही करेंगे. ठीक है, all together. Licensing, permissions आपको मिल रही है, licensing मिल रही है. Tax policies उनको क्या है? Taxes are another way that government can cash in on foreign business operating and selling products in their country. ठीक है, licensing, permits, ये सब कैसे है? Fee,
कैसा आपको पे करना है, करेंसी रिस्क कितना है, ये आता है आपके पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स में. देन कम्स अदर पॉलिटिकल रिस्क एंड रेस्ट्रिक्शन, ये वाला फोर्थ पॉइंट. इसमें क्या आता है, इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन. मैनी कंट्रीज हैव स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑन हु कैन ओन बिजनेस एंड डू अदर बिजनेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इन देयर कंट्री. ठीक है, आपको ये सब जरूरी देखना. ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शन कैसी है, ठीक है, जस्ट हाउ मच ऑपरेशनल कंट्रोल यू विल हैव ओवर योर ओवरसीज बिजनेस remains to be seen. इन चीजों को आपको जरूरी देखना है. ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शन आपका कैसा रहता है. स्टेबिलिटी, व्हाट अबाउट स्टेबिलिटी. यस ऑब्वियसली मेनी कंट्रीज मेनी कंपनी सॉरी थिंक अबाउट स्टेबिलिटी. क्या ये जगह स्टेबल है, मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ कि नहीं, मुझे यहाँ पे यहाँ नहीं करना चाहिए, यहाँ पे वॉर्स होती है, हाँ जंगे चल रही होती है. वॉर्स कैन हैव अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस. इन अ फॉरेन कंट्री देयर आर मेनी बिजनेसेस एंड बिजनेस कस्टमर्स बेस दैट बिकम एक्सटिंक्ट ऑलमोस्ट ओवरनाइट व्हेन वॉर्स ब्रोक आउट. ठीक है, कश्मीर में क्यों नहीं कोई कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है, बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ पे वॉर्स होती है, यहाँ के हालात सही नहीं है. ठीक है, या यहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अ फॉरेन कंट्री कैन इफेक्ट योर एबिलिटी टू मार्केट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अ फॉरेन कंट्री टू. अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप नहीं मानेंगे वहां करना, अगर वहां की स्टेबिलिटी नहीं होगी, वहां पर वहां के हालात ठीक नहीं होंगे, वहां वॉर्स चल रही होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी. ठीक है, और इन सब चीजों को आपको जरूरी दिमाग में रखना है. कल्चरल फैक्टर्स क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स, अदर पॉलिटिकल रिस्क एंड रेस्ट्रिक्शन. ठीक है, ये हम सब हमने किसमें देखा, ये देखा हमने सारा. पहले हमने देखा इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या आता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में हम कैसे अपनी कंट्री के बाहर जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या चीजें देखकर जाते हैं, किन चीजों को हम दिमाग में रखते हैं जब हम इंटरनेशनली अपना बिजनेस कर रहे होते हैं. उस चीज के उसके बाद हमने देखा नेचर इसका कैसा है, कॉम्पिटिशन कितना रहता है, रिस्क कैसे इतना ज्यादा रहता है, कितना प्रोटेक्टिव नेचर का है, लीगल सिस्टम इसका डिफरेंट है, मॉनिटरी पॉलिसीज डिफरेंट है, ब्रॉड मार्केट है, और देन हमने देखा क्या फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होते हैं. थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये जरूर समझ आया होगा. इंशाल्लाह, ओके, थैंक यू.